दोस्तों बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई ओल्ड कॉइन है या कोई स्टॉक है वो 30% या 40% 50% तक पंप हो जाता है विद इन कपल ऑफ मिनट्स में, या शायद 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर। तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है कि इसमें मैं एंटर कर जाऊं तो कम से कम 5% या 10% तो प्रॉफिट मैं निकाल लूंगा। 10% नहीं, चलो 4-5% भी प्रॉफिट मिल गया तो वेल एंड गुड है, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा क्योंकि ये पंप हो रहा है और हो सकता है कि और पंप हो जाए। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम भी होती है ट्रेडिंग में, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आता है, वो हमें लॉस ही होता है। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, इसे कैसे बचा जाए, या इस तरह की मार्केट में, इस तरह के ओल्ड कॉइन में अगर आप ऑलरेडी ट्रेड ले चुके तो रिएक्ट कैसे करना चाहिए, उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप पहली दफा मेरे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि समटाइम कुछ ऐसी इंस्टेंट अपडेट्स होती हैं या बिटकॉइन ओल्ड कॉइन की प्राइस अपडेट्स होती हैं वो आपको फौरी देखना होती है, तो बेल नोटिफिकेशन अगर आपको आता है तो आप इंस्टेंटली उससे फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर इन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल तक आपकी एक्सेस हो जाएगी। वहां पे मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं और फ्री में बाइंग एंड सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हुआ ये कि कॉइन हो गया 30 से 40% तक पंप, और आप उसमें से मीन कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कल मैं इसमें शायद एंट्री ले लेता क्योंकि मेरी नजर में था कि ये कॉइन पंप हो सकता है और पंप हो गया, ठीक है, या फला किसी बंदे ने मुझे बताया था ये 2x देने वाला है, अभी तो सिर्फ 30% बढ़ा है। ये मैं आपको हर पॉसिबल रीजन बता रहा हूँ जो आपका ब्रेन आपके साथ प्ले अराउंड करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, क्योंकि कोई भी बड़ा एक्शन लेने के लिए, इवन दैन माइनर एक्शन लेने के लिए भी आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है। ब्रेन इसके पॉजिटिव थिंग्स करता है, ठीक है, बयान आपके सामने करता है। इवन दैट आप कोई बैड काम भी करते हो ना, बुरा काम भी करते हो, वो पता क्यों करते हो, क्योंकि ब्रेन आपको सिर्फ उसका पॉजिटिव साइड दिखाता है, नेगेटिव साइड आप बाद में देखते हो, ठीक है। इस चीज को आपने देखा है, साइकोलॉजी को समझना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक दूसरा नाम है, समझ लें इसको। इसी की जो गिरे हैं, यही जो रीडर्स हैं, ये मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और अच्छा होता ये है कि कॉइन हो गया पंप और आपने कहा कि मैं इसमें ट्रेड ले लेता हूँ, मुझे हो जाएगा प्रॉफिट, जिसे आप नॉर्मल जुबान में फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, इस जब ये कॉइन पंप होता है ना, कोई भी कॉइन पंप होता है, मुझे भी ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं, क्या मुझे इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, मुझे बताएं, क्या मुझे इसमें कम से कम 10% का प्रॉफिट हो सकता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, इसमें हमें एंट्री ले लेनी चाहिए कि नहीं ले लेनी चाहिए। तो साहब मैं आपको यही कहूंगा कि जब कोई कॉइन पंप हो गया ना, वो उसको छोड़ दें, बेटर एडवाइस है ये। मैंने बड़े ऐसे नुकसान किए हैं जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आपको तो सिखाने वाले बहुत हैं, अभी बहुत सारे यूट्यूब पे ये मटेरियल है। जिस एज में मैंने स्टार्ट किया था तब तो ज्यादा नॉलेज भी नहीं था लोगों के पास, और यूट्यूब पे पता कैसी वीडियोज आया करती थी कि बिट्रेक्स पर कैसे अकाउंट बनाना है, आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आपको बाइंग बिड कैसे करनी है, आपको ट्रेड कैसे करनी है, ऐसी वीडियोस आया करती थी। ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बताने के लिए अभी आपके पास तो बहुत सहूलत है, हजारों चैनल बने हुए हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है जो मेरा कंटेंट हो वो डिफरेंट हो, और सबसे मेन जो कि आपकी रियल ट्रेडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जब एक कॉइन पंप हो गया ना, उसका पीछा छोड़ दें, क्योंकि अभी कॉइन मार्केट कैप पे देखें ना, अप्रोक्सीमेट 3,000 कॉइन्स हैं, ठीक है, 3,000 कॉइन लिस्ट हो चुके हैं, बाकी कोई ना कोई पंप हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों पंप हो जाएगा। इसमें आपके मोस्ट ऑफ द चांसेस आपके लॉस के होते हैं। अच्छा, अब हिस्ट्री कैसे बिल्ड होती है हमारे मिस्टेक्स की, हम किसी ट्रेड में एंटर लिया, हम विद इन सेकंड्स में, विद इन मिनट्स में उस पंपिंग कंडीशन से हमें 4-5-6% प्रॉफिट हो जाता है, तब हम शेयर बन जाते हैं कि मैं तो इसमें से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, ये सबसे इजी वे है, बड़ी जल्दी प्रॉफिट आ गया, राइट। अब नेक्स्ट कोई कॉइन पंप होता है उसमें भी आप एंट्री कर लेते हैं, अभी आपकी हिस्ट्री बिल्ड हो रही है और आपका ब्रेन आपको टू सम एक्सटेंट ये कहता है कि आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन वो जो होते हैं ना सबज बाग ग्रीन गार्डन,
प्रॉफिट जो होता है उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, हम उसमें ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम उसमें एंट्री ले लेते हैं। अब नुकसान हो गया, ठीक है, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, दो दफा प्रॉफिट हो गया, एक दफा नुकसान तो चलता है, फिर कभी कोई कॉइन पंप होता है उसमें एंट्री ली और नुकसान हो गया। ठीक है, आप समझ लें कि अगर आपका एक प्रॉफिट होता है ना, वो एक दफा का प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है ना उसके रिकवर करने के लिए आपको पता नहीं कितनी ट्रेड लेनी पड़ेंगी। तो इस बात को ध्यान में रखा करें, लॉस से बचा करें जब ऐसी सिचुएशन हो। अच्छा, ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, आपका माइंड आपको मैनिपुलेट क्यों करता है? या तो एक दिन पहले आपने उस ओल्ड कॉइन को देखा होता है, या बहुत सारे लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, एक फोमो बना होता है, एक बबल बना होता है कि ये कॉइन तो 2x तक जाएगा। जैसे कोई कॉइन 1000 से सतोशी पे है, किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया ये कॉइन 3000 तक तो जाएगा ही जाएगा, इसके मेन नेट से पहले, इसके टेस्टनेट से पहले, इस फला न्यूज से पहले, इस बला न्यूज से पहले। तो अभी वो कॉइन 50% पंप है, आप कहोगे अभी 1500 सतोशी पे कॉइन है, 3000 की इसकी प्रेडिक्शन है, व्हाई नॉट आई शैल गेट इन इन दिस ट्रेड, तो मैं तो कम से कम 20% प्रॉफिट तो निकाल के वाये जाऊंगा, छोड़ दें उसको। क्योंकि ट्रेड लेने का टाइम, ट्रेड जो होती है ना वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का टाइम नाम है। अब फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये कॉमन डिस्कशन है, बड़ी बातें आपको इसमें न्यू मिलेंगी, शायद कभी आप ये मिस्टेक करने लगे तो मेरी एडवाइस आपके सामने आ जाए। तो आप क्या, आप जो ट्रेड होते हैं ना फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, जब फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली हम प्रेजेंट वाले कॉइन को देखते हैं ना, ये पंप हो गया, इसका मतलब वो उसकी ट्रेड का टाइम नहीं है, उसकी ट्रेड का टाइम उससे पहले था, अभी वो परफॉर्म कर चुका है। कोई ट्रेड आपने ले ली, एक दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 14 डेज हैं, वो साइडवेज में चल रहा है, आप अकता जाते हो, वही सही टाइम होता है। अगर आपको पता है कि ये नीचे उसके ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं, रिसेंटली एक कॉइन था जिलिका कॉइन, 3 मंथ से मैं कह रहा था 3340 सतोशी के राउंड बोर्ड प्राइस चल रही थी, कि इसका मेन नेट आना है जनवरी में, इससे फायदा उठा लें, प्रॉफिट अर्न कर लें। ठीक है, 3 मंथ में 3 वीडियोज डाली जिलिका कॉइन चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे काफी दफा बताया, ये भी बताया मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका था, मैंने आपको भी बता दिया, एडवाइस कर दिया, ये प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, मेन नेट की डेट जब पास आई ना, तो उसने आपको अप्रोक्सीमेट, मुझे जो जो मेरी ट्रेड थी ना, मुझे पता है 98% प्रॉफिट, कुछ मैंने 55% प्रॉफिट पे सेल किया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, कुछ 98% के प्रॉफिट पे मैंने उसको, अभी भी कुछ होल्ड किया हुआ, लॉन्ग टर्म मेरा ये कॉइन है, उस पे मैंने कुछ उसको सेल आउट किया, क्योंकि मैं इसको 2 मंथ से होल्ड कर ही बैठा था मेन नेट के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी प्राइस भी काफी ज्यादा नीचे थी। ये एग्जांपल है आपको दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी सिमिलर एग्जांपल फ्यूचर में फेस करोगे आप। अच्छा, वो कॉइन जब पहुंच गया ना 607 मीन ऊपर पहुंच गया, प्रॉफिट दे दिया उसने, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं उसने हाई कितना बनाया, तो तब मुझे लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या अब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, दिस इज ये क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क था होता है उनका। मैं उसको, और मैं ऐसे ही आंखों पे हाथ रखे जैसे ये है कि खुदा के बंदो, कि मैं आपको 3 मंथ से बता रहा हूँ कि ये ट्रेड ले लें, ये प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट दे सकता है, ज्यादातर चांसेस है, 100% कोई भी श्योर नहीं होता, मैं भी श्योर नहीं हूँ, राइट, कि इसमें ट्रेड ले लें, ये आपको प्रॉफिट देगा। और जब वो परफॉर्म कर चुका, उसने आपको 100% प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, तब आप पूछें क्या अब मैं इसमें ट्रेड ले लूं, तो मेरा जवाब होगा बिग नो नो, चाहे वो 200% ही चला जाए, 2x ही कर जाए, 3x कर जाए, अभी के लिए उसमें ट्रेड नहीं लेना बनता है। ठीक है, जो लोग उस पंप में प्रॉफिट में है ना, वही जेन्युइन प्रॉफिट होता है उनका, क्योंकि उन्हें 2-3 दिन पहले, 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले उसको होल्ड किया होता है, अब पंप आ गया, उनको उनका जो मेहनत, जो होल्डिंग पावर है, उसको रिवार्ड लेने का टाइम आ गया। अब आप उनके रिवार्ड में शामिल होने की कोशिश करेंगे ना, तो होगा पता क्या, आपको जब लॉस होगा ना, वो उनके पोर्टफोलियो में चला जाएगा, आप लॉस में ना तो अदर कोई बंदा प्रॉफिट में है, अगर कोई आप प्रॉफिट में तो कोई अदर बंदा लॉस में है, ऐसे ही ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, तो जब उनको रिवॉर्ड मिलना है ना, पता किन किन के पैसों से उनको रिवॉर्ड मिलना, आपको पैसों से, जब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो मेरी आज के लिए आपको ये एडवाइस है कि जब पंप हो गया,
ब्रेन आपको कहेगा इसमें एंटर कर लो, आपने कहना है बिग नो नो, मैंने नहीं करना, छोड़ दें उस प्रॉफिट को, जिसमें नुकसान का ज्यादा चांसेस है ना, उस ट्रेड को छोड़ दें, ठीक है? या किसी से मशवरा कर लें, मुझे ईमेल कर लें, किसी और को कर लें, क्या उसमें ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको से यही कहूंगा, जब वो एक दफा पंप हो गया, ठीक है, उसके साथ रिस्की ट्रेड का नाम जुड़ गया ना, तो उससे अवेयर रहें। कल हो सकता है आपने जो 10-20 कॉइन किए हों, कुछ पता नहीं चलता, नेक्स्ट नंबर उसी का हो, आप क्या करते हो उसको सेल करके पंप वाले में चले जाते हो, उससे तो नुकसान हुआ ही होता है, उसको लॉस में सेल करके पंप वाले में जाते हो, वहां से भी लॉस करते हो, और ठीक है एक दिन के बाद जिसको लॉस पे सेल किया था वो पंप हुआ होता है। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको लगता है 1% भी नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैप्पी।